क्योंकि मैं आपको बचाना चाहता हूँ पेशविन भाई। ये बात आपको समझ में नहीं आती? वो बचाना चाहते हैं आप हमें? मुझे भी नहीं पता क्यों बचाना चाहता हूं मैं तुम्हें, वरना तुम तो जानती हो कि 7 साल बाद ये दिल पत्थर दिल बन चुका है। आप चाहते हैं हम विनती करें? ठीक है, तो अभी एक पेशविन की विनती है कि आप जैसे पत्थर बने हुए हैं वैसे ही पत्थर बनकर रहिए। अब ये मृत्यु दंड तभी टूटेगा जब कृष्णराव वापस लौट कर आएगा। ना कोई सजा कम करने की जरूरत है और ना ही कोई रहमदिली दिखाने की जरूरत है। इससे साबित क्या करना चाहती हो तुम? यही कि पेशवा सरकार न्याय करते हैं, पश्चाताप नहीं। ये साबित करना चाहते थे कि बाजीराव पेशवा का फैसला अटल होता है। राव, आप हमारा फैसला दुनिया को सुना चुके, अब सही हो या गलत हो सबके मन में बैठ गया है ये फैसला। अब अगर हमने कृष्णा की सजा कम करने की गुहार लगाई, लोग कहेंगे कि पेशवा बाजीराव अपने साले को बचाने के लिए अपने फैसले से मुकर गए, और हम भी पेशवा बाजीराव की पत्नी हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। लोग आप पर उंगलियां उठाए राव, इससे अच्छा यही होगा कि हम आपके मान की रक्षा करते हुए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाए। इंतजार करेंगे हम सुबह होने का। भाई, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए, पूरी की जाएगी। हम चाहते हैं कि हमें फांसी पर लटकाने का गौरव हमारे पति पेशवा बाजीराव को मिले। एक पत्नी के मरने पर मुखाग्नि का अधिकार एक पति को ही होता है, उसी तरह मृत्युदंड निभाने का अधिकार एक पति को ही मिलना चाहिए। तो
जाओ, मैं कुछ नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि हमारे पति बाजीराव है, बाजीराव। काशी, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हम मर जाएंगे लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। लोग आप पर उंगलियां उठाए रहो, इससे अच्छा यही होगा कि हम आपके मान की रक्षा करते हुए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाए। एक पेशवा के लिए भी आसान नहीं होगा। आखिर हमारा रिश्ता है पेशवा से, एक युद्ध तो आपके अंदर भी चली रहा है और रीत है कि युद्ध पर जाते योद्धा का तिलक किया जाए। उसी नाते हम आपका तिलक करना चाहते हैं। इन 7 दिनों में ना ही तुम मुझे तिलक लगाओगी और इसी तिलक के साथ रहो, आपकी 6ठी शर्त टूट गई। तुम्हारी मौत जो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारी आंखों में देख रही है और तुम्हें शर्तों की पड़ी है। किसने कहा हमारी आंखों में हमारी मौत दिखती है? हमें तो हमारे सामने अपनी जिंदगी खड़ी दिखती है। राम, बस कुछ ही दूरी बची है उस फंदे और हमारे बीच। राम, बस 2 कदम की दूरी काशी भाई। ये भी ठीक है, 2 कदम पार करके हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे हम आपको। पेशवा सरकार, समय हो गया। प्रेम की है मिसाल कैसी, खुलते बंद होते द्वार जैसी। साथ तो है लेकिन फिर भी दूरी है, प्रेम की ये कथा आज अधूरी है। है मिलन की ये। क्या तुम्हें बाबा की तबीयत के बारे में पता था? पता था। विधाता कैसी विदाई है, क्या रंग लाई? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुमने मुझे बता दिया होता तो बाबा जिंदा होते। देर नान देर नान देर नान रे देर। लोग आप पर उंगलियां उठाए रहो, इससे अच्छा यही होगा कि हम आपके मान की रक्षा करते हुए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाए। प्रेम की है मिसाल कैसी, खुलते बंद होते द्वार जैसी। काशी के मंजूर है मेरी दोस्ती? हाँ मंजूर है। देरे नान देरे नान देरे नान रे देरे नान देरे।
जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे आपसे राहुल, मर भी जाए तो भी याद बहुत आएंगे हम आपको, कभी खुद से अलग नहीं कर पाएंगे हमें, कभी नहीं। ये लो दोस्ती का पहला उपहार। प्रेम की है मिसाल कैसी, मृत्यु दंड का निश्चित समय और की पहली पहर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुक जाइए, रुक जाइए। मैं हूं आपका अपराधी, मेरी लाडू को छोड़ दीजिए। जिसना तुम्हें तो मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं मैं तुम्हें, जिसने सासवड़ के साथ साथ छत्रपति शाहू महाराज के साथ भी छल किया है, अपनी बहन के साथ विश्वासघात किया है। देर कर दी कृष्ण राव तुमने मुझे मिलने में, जैसे तुम भी अपने उस दोस्त के साथ होते थे, वैसे भी तुम्हारा समय आ गया। रुक जाइए। भरोसे के लायक नहीं है तुम्हारा देशद्रोही भाई। पेशवा सरकार आपसे और कृष्णा से कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। हमेशा अपने भाई की तरह रखा था तुम्हें मैंने, जिमाजी और तुम में किसी भी बात का फर्क नहीं किया था, पर क्या किया तुमने, विश्वासघात, और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन फांसी के फंदे तक पहुंच चुकी थी। पर अब उस फांसी के फंदे पर मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा कृष्णराव, जिसके तुम हकदार हो। राव हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हमें नहीं लगता कि
कृष्ण राव को फांसी की सजा देना सही होगा। पेशन भाई, जहां तक कि मुझे पता है आप ही ने मुझसे एक बात कही थी, न्याय और शासन सबके लिए बराबर होने चाहिए, फिर इस बार क्यों किस बात की ढील बरतनी है अपने भाई के लिए? हम कोई ढील देने की बात नहीं कर रहे राव, जानते हैं कि कृष्ण राव ने अपराध किया है, लेकिन इसके और कोषाध्यक्ष के अपराध में फर्क है। आपका मुख्य अपराधी कोषाध्यक्ष था, जिसने आपकी हत्या की साजिश की थी। वो कोषाध्यक्ष ही था जिसने छत्रपति शाहू महाराज पर भी हमला किया। ये दोषी है, लेकिन कृष्णा राव ने केवल धन का गबन किया है, किसी की हत्या नहीं। और ये कौन कह रहा है? कोई सबूत है, कोई गवाह है तुम्हारे पास? दरबार, न्याय और शासन भावनाओं के आधार पर नहीं चलते हैं, उसके लिए गवाह और सबूत की आवश्यकता होती है तुम्हारे पास कोई गवाह? पिछली रात मैंने एक अपराधी का सर काटा था अपनी तलवार से, जिस पर तुम्हारे भाई का भी नाम है। आप मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए पेशवा सरकार। बस बस थोड़े से धन की बात थी, बस इतना ही। कितनी बड़ी भूल की थी तुम्हें पहचानने में कृष्ण राव, सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े कायर निकलोगे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपका सामना कर सकूं पेशवा सरकार, मैं किस मुंह से आपके सामने आता। लेकिन अभी मैं आपके सामने हूं और आप जो सजा देना चाहे मुझे दीजिए, मुझे मंजूर है पेशवा सरकार। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके और शाहू महाराज के हमले में मेरा कोई भी हाथ नहीं था, मैं बस अपनी कायरता और अपनी लालच की वजह से फंसता गया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। उठो कृष्णा, उठो। बहुत बड़ी बात है कृष्णा कि तुम अपनी कायरता पे, अपने स्वार्थ पे विजय पाकर वापस लौटे। हमारे लिए बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने। माफ कीजिए पेशवा सरकार, कृष्णा राव हमारे कहने पर वापस लौटा है, तो उसे सजा देने का अधिकार भी हमारा ही होना चाहिए। काशी भाई, आपकी बात अपने जगह पर सही है। ठीक है, मैं तुम्हें सजा देने का अधिकार देता हूं, लेकिन याद रहे इस अधिकार के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें सजा लाड़ू बनकर नहीं बल्कि पेशविन भाई बनकर दोगी। सजा बिल्कुल वैसी हो जो कृष्ण राव के लायक हो, और अगर दरबार में से किसी को भी ये लगता है या मुझे लगता है कि कृष्ण राव के लायक वो सजा नहीं है, तो उसे सजा खुद मैं दूंगा, और वो सजा होगी फांसी की सजा। एक पैर का समय है तुम्हारे पास, सोच लो क्या सजा देनी है।